नमस्कार दोस्तों, काकी दी रसोई में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों में खास बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हलवा बनाने के लिए हमने 2 किलो गाजर लिए। गाजर हमने बिल्कुल लाल वाली ली है, जिसमें मिठास ज़्यादा होती है और इसका कलर भी बिल्कुल रेड होता है। तो सबसे पहले हमें गाजर को छिलने की सहायता से छील लेना है और इस तरीके से इसको आगे से काट लेना है और पीछे का जो इसका डंठल है वो रहने दें, ताकि इस तरीके से पकड़ने में ये काम आए जब हम इसे कद्दूकस या ग्रेट करेंगे। तो अब हमारी गाजर रेडी है। तो अब इसको छीलने के बाद हमें धोना है। तो धोने के लिए बिल्कुल साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, ताकि इस पे जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई हो वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से अच्छे से 2 पानी में हम गाजर को धो लेंगे। तो इस तरीके से गाजर को हमने मोटा मोटा कद्दूकस कर लेना है और दूसरी तरफ गैस पे कोई भी मोटे तले का बर्तन हमने चढ़ा देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा किलो दूध। जी हाँ, आधा किलो दूध डालना है हमने 2 किलो गाजर में, लेकिन दूध हमें उबला हुआ ही डालना है। और दूध के बाद अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। तो दूध हमने गर्म इसलिए डाला है क्योंकि ठंडा दूध जो होता है वो बर्तन के तली में लग जाता है। गाजर डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे दूध के साथ। गाजर को मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ढक के धीमी आंच पर पकाना है। तो लगभग 10 मिनट बाद हमने गाजर को खोल लिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो इसी तरीके से एक बार और इसे ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए गाजर ने कितना सारा पानी इसमें छोड़ दिया है। तो इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे और फिर से इसे ढक देंगे। तो ये हमने इसे चला के फिर से ढक देना है 5 मिनट के लिए। और तो 5 मिनट बाद एक बार फिर इसे खोलेंगे और इसे फिर से चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका पानी कम होना शुरू हो गया है। तो अब हम गाजर को चेक करेंगे। तो ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो गाजर लगभग पक चुका है। तो इसके बाद अब हम इसे खोल के पकाएंगे ताकि गाजर भी हमारा पूरी तरीके से पक जाए और जो इसका पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से अब हम इसे खोल के बिल्कुल धीमी आँच पे ही पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल सूख चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम देसी घी। देसी घी बिल्कुल पानी ख़त्म होने के बाद ही हमें डालना है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। घी को अच्छे से मिलाएं। घी की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और जो इसका कलर है वो भी बहुत बढ़िया आएगा। तो घी को अच्छे से मिलाएं और इसी तरीके से इसे पकाएं। तो घी में इसे अच्छे तरीके से पकाएं और ध्यान रखें कि ये नीचे ना लगें। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा है नीचे गाजर का हलवा। और 5 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी। तो हमने यहाँ 2 किलो गाजर के अंदर 150 ग्राम चीनी ली है और ये ठीक ठाक था मिठास। अगर आप मिठास बढ़ाना चाहते हैं तो 200 ग्राम चीनी डालें, लेकिन 150 तो कम से कम डालें। तो अब इसे हमें चीनी घुलने तक पकाना है। चीनी के अच्छे से घुल जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खोया। तो खोया हमने इतना यूज़ करना है कि जो हमारे हलवे की क्वांटिटी है ऊपर से दिखने में वो अच्छे से उसको कवर कर ले चारों तरफ से। तो खोए को हमें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खोया है वो बिल्कुल इसमें घुल चुका है। तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। अब जो हमने इसमें घी डाला है वो हमने सिर्फ इसमें खुशबू के लिए डाला है, लेकिन अगर आप गैस को चालू रखेंगे तो जो घी की खुशबू है वो उड़ जाएगी। तो गैस को बंद करके अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमारा हलवा तैयार है। और इसके बाद करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो अब इसे किसी भी सर्विंग प्लेट पर या ट्रे में निकाल लीजिए इस तरीके से। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम खोए के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। तो खोया यहाँ पे आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। खोए का इसमें कोई वो नहीं है कि हमने इतना ही यूज़ करना है। आपके पास जितना है आप उतना इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से इस पर फैला देंगे खोया ग्रेट करा हुआ, कद्दूकस करा हुआ। तो खोए के बाद इस पर हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पे हमने हरी और लाल रंग की टूटी फ्रूटी ली है। तो ये डालें, इससे बहुत अच्छा इसका जो लुक आता है हलवे का वो आता है देखने में। तो इस तरीके से इस पर डालें। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे
थोड़े से टुकड़े किए हुए काजू और बादाम तो इस तरीके से डालें, इससे बहुत अच्छा इसमें नटी फ्लेवर भी आ जाता है। तो हमारा हलवा अब रेडी है, तो इस तरीके से अब इसे मिलाएं, गर्मा गर्म परोसें। तो दोस्तों ये रेसिपी थी गाजर के हलवे की, आप भी इसे बनाएं और ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सुझाव हमें भेजते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को अपना कीमती वक्त देने के लिए।